गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी रिवीजन क्लास 13 अक्टूबर 2020। तो आज का रिवीजन क्लास है क्रिया। देखिए, कोयल गाती है, लड़की नाच रही है, बस चल रही है, वर्षा हो रही है, किसान हल चला रहा है, हवा चल रही है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अन्य उदाहरण देखिए और समझिए। जैसे काम का करना, अध्यापिका पढ़ा रही है, रोहन सेब खा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। नेक्स्ट, काम का स्वयं होना, जैसे सूर्य निकल रहा है, बिजली चमक रही है, तेज हवा चल रही है, लड़की पुस्तक पढ़ रही है। जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। धातु, धातु क्या है? क्रियाओं के मूल रूप धातु कहलाते हैं। क्रियाओं के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से होता है उसे धातु कहते हैं। उदाहरण, धातु लिख और क्रिया के रूप है लिखा, लिखना, लिखूंगा। पढ़ धातु क्रिया रूप है, पढ़ा, पढ़ना, पढ़ूंगा। और हंस धातु हंसा, हंसना, हंसूंगा। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया अ और उसके साथ कर्मक अर्थात बिना कर्म की क्रिया। अकर्मक वो क्रिया होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे बच्चा सोता है, राधिका हंस रही है। इन वाक्यों की क्रियाओं सोता है, हंस रही है में कोई काम नहीं है, ठीक है, तो इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। थैंक यू।